हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं नमकीन ढोकला। नमकीन ढोकला जिसको हम फ्राइड करके मसाले वाला ढोकला बनाएंगे, तो ये बहुत ही टेस्टी होगा और बहुत ही झटपट से इजीली बनने वाला है। तो देखिए, आप सबसे पहले हम एक बाउल लेते हैं। बाउल में एक कप मैं ये बेसन ले रही हूँ और इसमें मैं एक कप बेसन और 1/3 कप, तीसरा हिस्सा कप का मैं इसमें सूजी डाल रही हूँ। टेबल स्पून, एक चम्मच में शुगर डाल रही हूँ इसमें, आधा चम्मच नमक, साल्ट, आधा टेबल स्पून साल्ट डाल रहे हैं और 3 से 4 चम्मच हम इसमें कर्ड डाल रहे हैं। आधा कप हमने इसमें दही डाल दिया है और अब इसमें 2 पिंच जो है वो हल्दी पाउडर कलर के लिए, और अब इसको 1 कप वाटर लेके आहिस्ता आहिस्ता इसको डालते हुए इसको मिक्स करना है अच्छे से। ये देखिए, ये पेस्ट अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है, सारे मिक्सचर को। ये 2 से 3 टेबलस्पून मैं इसमें, ये 3 टेबलस्पून जो है वेजिटेबल ऑयल मिक्स कर रही हूँ। ये देखिए, हमने 3/4 जो है वाटर डाल के इसको बहुत स्मूथ सा हमारा ये जो है पेस्ट बन गया है। अब हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे और इसमें बाद में हम डालेंगे इसको इनो से, इसको फुलाने के लिए हम बाद में इसमें इनो यूज़ करेंगे। इतनी देर हम करते हैं अपने बॉयल वाटर। अभी देखिए, हमने 10-15 मिनट के लिए ये बैटर को छोड़ दिया था। अभी हम इसमें, हमारी जो पैन है उसमें भी वाटर जो है वो बॉयल हो गया है और ये हमारा जो घोल है जो हमने 10-15 मिनट के लिए छोड़ा था, अब हम इसमें 1 टेबलस्पून जो है वो इनो पाउडर मिला रहे हैं मिक्स करके इसको। ये हमने इसमें ये एकदम से इसमें मिक्स करके अच्छे से, अब इसमें हमारा ये बैटर हमने ट्रांसफर कर लेना है। इसको अच्छे से टैप करके अब इसको इसमें बॉइल्ड वाटर में रख देना है पकने के लिए। हम इसको 12 से 15 मिनट के लिए इसको लिड लगा के छोड़ देंगे। तो देखिए, ये मैंने चेक किया है, इसमें नाइफ अंदर डाल के देख रहे हैं तो ये थोड़ी सी कसर है इसमें, 1-2 मिनट और पकने देते। ये देखिए, ये 12-13 मिनट में हमारा ढोकला जो है ये बन के तैयार हो गया। इसमें मैं ये नाइफ डाल के देख रही हूँ, ये अंदर जा रहा है तो हमारा ढोकला बन गया। अभी मैं इसको, ये देखिए हमारा ये ढोकला बिल्कुल फूल के रेडी हो गया। अब इसको मैं डिम आउट करती हूँ प्लेट में इसको।
ये देखिए हमारा जो ये ढोकला है बिल्कुल स्पंजी बन के तैयार हो गया। इसका बेस देखिए कितना सॉफ्ट सॉफ्ट है, ये देखिए। अब हम इसको फ्राई करने के लिए दोबारा इस पैन को हम इसको पीसेज में कट कर लेते हैं। और मैंने ये गैस पे कढ़ाई रखी है, पैन रखी है, इसमें मैं 2 टेबलस्पून जो है वो वेजिटेबल ऑयल डालती हूँ। ये जो है 2 टेबलस्पून मैंने इसमें ऑयल डाल दिया है। इसको मैं कट करने जा रही हूँ, ढोकले के छोटे छोटे पीसेस जो हैं वो कट कर लेने हैं। ये राई डाल लेते हैं, इसको अच्छे से पकने देते हैं, राई को अच्छे से पकने देते हैं। अब हमने कुछ हरी ग्रीन चिली जो है मिर्चेस काट के रखी हैं, इसको भी इसमें हम डाल लेते हैं। राई हमारी और ये मिर्ची जो है वो अच्छे से पक जाए। इसमें मैं थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा इसको और अच्छा कलरफुल, तो कहीं से ज़्यादा कहीं से कम वो देखने में बहुत अच्छा लगेगा, तो थोड़ा सा मैं इसमें हल्दी पाउडर डाल रही हूँ 1 पिंच के लिए, और थोड़ी सी रेड चिलीज। देखिए ये अच्छे से भुन गए हैं, पक गए हैं। अब हम जो ये है पीसेस जो हैं ढोकले के आराम से इसमें हम, देखिए कितना स्पॉन्जी है ये, इसको अच्छे से हम 5 से 7 मिनट के लिए इसको पका लेंगे। चाहे तो इसमें ऑयल और भी डाल सकते हैं जिससे ये थोड़ा क्रिस्पी हो जाएगा, वेजिटेबल ऑयल आप 1 टेबलस्पून जैसे और डाल के इसको क्रिस्पी कर सकते हैं। और ये बहुत ही चटपटा बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होगा। अभी हम इसमें थोड़ा और इसको टेस्टी बनाने के लिए मैं इसमें 1 लेमन जो है वो स्क्वीज करती हूँ, 1 नींबू का रस इसमें डाल देती हूँ। ये देखिए इसको फिर से चला के, और आजकल जो है बच्चे वैसे तो इसको हरी चटनी के साथ मीठी चटनी के साथ जैसे मर्जी खा सकते हैं, लेकिन बच्चे आजकल सॉस के साथ जैसे पसंद करते हैं, तो मैंने एक इसमें अपना ये ऐड किया है, अपनी ही रेसिपी ऐड की है। मैं इसमें ही थोड़ा सा
ये भी एक मिनट कट करूँ। ये देखिए मैंने इसमें से कुछ पीसेस जो है निकाली हैं, ये मैं प्लेन रखे हुए हैं मैंने इनको, और जो मेरा ये इसमें मैंने पैन में जो छोड़ा है हिस्सा, इसमें मैं थोड़ा सा जो सॉस है कॉटन स्वीट जो टोमेटो सॉस है वो मैं इसमें मिक्स करके इनको थोड़ा सा और से चटपटा बना रही हूँ। और गार्निश करने के लिए हम इनमें थोड़ा सा जो है वो धनिया पाउडर ऐड कर लें। ये देखिए हमारे दोनों तरह के जो हैं ढोकला तैयार हो गया है। ये इसमें मैंने जो है प्लेन ही रखा है, सिर्फ इसमें हल्दी नमक और थोड़ा सा मिर्ची का तड़का लगाया है, और इसमें मैंने थोड़ा सा सॉस डाला है जिसमें हमें चटनी की भी ज़रूरत शायद ना पड़े। ये देखिए ग्रीन चटनी के साथ ये दोनों ही तरह के जो ढोकले हैं वो बहुत टेस्टी लगेंगे, और ये तो और भी ज़्यादा चटपटे कुरकुरे, क्योंकि हमने इनमें थोड़ी सी ज़्यादा सूजी डाली है इसलिए जो इनका थोड़ा टेक्सचर है वो थोड़ा क्रंची सा हो गया, और ये बहुत ही टेस्टी हैं। तो आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत ही टेस्टी और हेल्दी जो है वो रेसिपी बनेगी, और बहुत इजी है ये बनाने में भी जैसा आपने नोटिस किया होगा। और ये जो ग्रीन चटनी है मैंने आपको पहले इसको ग्रीन और खट्टी मीठी दोनों चटनी बना के जो दिखाई हुई है आप उसको दोनों को देख सकते हैं, और ये ज़रूर ट्राई कीजिए। प्लीज़ कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको आज की ये डिश पसंद आई हो तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा।